नहीं है पैसे? अरे नहीं नहीं है ना पैसे भैया, आप भूल गए? आप ही ने तो मुझे दिए थे रखने के लिए। हाँ 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 दिए थे दिए थे दिए थे। लाइए लाइए, ये लीजिए आपके पैसे। ये तो जूने नोट है, ये नहीं चलते। नया पैसा होएगा तो दो। हाँ हाँ है ना है ना, ये वाले नहीं दीदी, मैंने आपको दूसरे बैग में रखवाए थे ना वो। हाँ एक मिनट। ये चिल्लर, 15,000 रुपए चिल्लर में देगा? गिनेगा कौन भाई? हाँ हाँ मैंने रखवाए हैं दीदी, वो दूसरे वाले रखवाए थे ना 2,000 की नोट की गड्डी वो। हाँ एक मिनट। ये हुई ना बात। चलो आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। चलो चलो बहनों चलो। कहाँ है बालवीर का उत्तराधिकारी? थोड़ी देर में लाश मिल जाएगी उसकी। उसे मारने का इंतजाम कर आया हूं मैं। आओ दोस्तों आओ, विवान की रात में मोती चूर के लड्डू खाओ, ऐश करो ऐश। ना 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 ना, ना। सबसे पहले तो सिर्फ टीम का कैप्टन खाएगा, फिर बाकी के सिविलियंस खाएंगे। अब क्या करें, कैप्टन की इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। चलो चलो निकलो निकलो, ये जगह खाली कर दो क्योंकि इस जगह का नया किराएदार मिल गया है। क्या? तो फिर हम खेलेंगे कहाँ पे? अक्सर खेलने के लिए मैदान इस्तेमाल किया जाता है और घर रहने के लिए। मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। हेलो, ये हमारे खेलने का घर है और शायद तुम भूल रहे हो कि किसी के घर में बिना परमिशन के ऐसे एंटर नहीं करना चाहिए। परमिशन की जरूरत मुझे नहीं क्योंकि अब ये घर मेरा है। मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। स्वागत है धरती लोक पे भैरारी टिमनासा का। अरे भैराजा,
आपने मुझे वड़ा पाव लाने भेज दिया और जितनी देर में वो तले नहीं उतनी देर में आप बालवीर के उत्तराधिकारी को मार भी आए। भैरानी वड़ा पाव ले गया। काल लोक के भैराजा भवार ने आखिर साबित कर दिया कि वो नकारा निकम्मे निखट्टे नहीं है। वड़ा पाव लेंगे क्या? सबका सबका मुंह बंद कर दिया। भैरानी आप तो मानती हो ना कि भैमार कमाल के है, एकदम कमाल के भैराजा भैमार की। क्यों नहीं तौबा तौबा, ये तो बात तुमने एकदम सही कही। आज जिन हाथों से आपने बालवीर के उत्तराधिकारी को मारा है उन्हें चूमने का मन करता है। लोग कितने भी बड़े हो जाएं, औकात से कभी बड़े नहीं होते। चाल चल के धरती के नए रक्षक बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढना चाहती हूँ। उत्तराधिकारी का भविष्य अब भयमार के हाथों में है। रोक सको तो रोक लो भाई रानी। अब परीलोक ही पहुंचाएगा मुझे उत्तराधिकारी तक। तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? अरे पूरा भारत मेरा देश है, मैं भारत नगर में क्यों नहीं रह सकता? बोलो नहीं, देखो ये है तुम लोगों का नया घर। कैसा लगा? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। सुंदर है लेकिन हमारे खेलने का अड्डा है। अड्डा तब तक था जब यहाँ रहने वाला कोई नहीं था, अब इसके किराएदार मिल गए। अब चलो निकलो, ये जगह खाली करो, निकलो यहाँ से, चलो। फिर हम खेलेंगे कहाँ पर? हाँ, और हमारी सीक्रेट मीटिंग्स कहाँ होंगी? वेल, मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से निकालने के बजाय ना यहाँ एसी लगवा दो, इट्स टू हॉट इन हियर। हाँ, क्यों नहीं। चलो निकलो, चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, इस जगह का सिर्फ एक ही उसूल है, हम यहाँ किसी से कुछ छीनते नहीं है बल्कि जीतते हैं। और अगर तुम्हें ये जगह इतनी पसंद है तो हमसे ये छीनो मत, हमसे जीत के बताओ। मैं तुम्हें एक कबड्डी मैच के लिए चैलेंज करता हूँ, और अगर तुम हमें हरा के बताओ तो ये जगह तुम्हारी वरना हमारी। कोई चैलेंज वैलेंज नहीं होता पैसों के मामले में, ये मकान किराए पे चढ़ चुका है। चलो 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 निकलो यहाँ से। एक मिनट, छोटे किसी ने मुझसे कहा है नेक काम की शुरुआत किसी का दिल दुखा कर नहीं करनी चाहिए। किसने कहा है? बालवीर ने। मुझे मंजूर है तुम्हारा चैलेंज, अगर तुम जीते तो ये घर तुम्हारा वरना हमारा।
कोशिश कर लो बालवीर, लेकिन अपनी इस परी को बचा कर नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि ये मेरा काल लोक है। तिमनासा का काल लोक, तिमनासा का काल लोक, तिमनासा का काल लोक। मैंने उंगली की कसम बहरानी, बालवीर यहाँ आ गया काल लोक में। आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा नहीं। बालवीर, बालवीर मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ बालवीर। यही तुम्हें सुनना चाहती थी। मेरे पास आओ। बालवीर, तुम नहीं बचोगे बालवीर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये तो सब मेरा खेल था भोली सी परी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे मुंह से बस ये निकलवाना चाहती थी, आओ मेरे पास। और अब देखो रास्ता खुल चुका है। और अब जब तुमने बुला ही लिया है, आओ मेरे पास, तो तुमने बुलाया और मैं बहरानी चली आई। मजा आ गया, मजा आ गया। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो हमारी बहरानी नहीं कर सकती। अब तो मैं बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगी। काल लोक से ना सही, परीलोक से ही सही। Hands up. नहीं, बोपु टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3। अरे चल रहा है कि नहीं? स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। और इसके साथ ही जिस दिन का आप सब बोलने वालों को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया है, बैठे बैठे एंटरटेन होने का दिन। ताली बजाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, कबड्डी मैच के लिए दोनों टीम अभ्यास के लिए मैदान में पहुंच गई है। अब मैं भी पहुंच रहा हूं। तू 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 तू। देखो बच्चे, बड़ों से तू तू करके बात नहीं करते। और ये तू 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 के आगे कुछ बोल भी नहीं रहे क्या? तू 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 क्या? तू के ऊ आपा पापा पापा आपा पापा पापा करके बोलू? मेघा जी, आप भी कितनी भोली है। वो तू 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 नहीं बोल रहा है, वो तू 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 कह रहा है। नहीं, वो कबड्डी को तू 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 भी कहते हैं। ओ, केले का छिलका खाने की चीज नहीं है। वाह कानून जी, आपने तो एक ही बार में दोनों बातें समझा दी, केले वाली भी और कबड्डी वाली भी। कौन? समझ में तो मुझे भी नहीं आया था, मैं नहीं लगी भोली आपको। एक मिनट। नमस्कार, तो इसी के साथ शुरू करते हैं कबड्डी का खेल। एक तरफ है भाई के सुशील, बहनों की टीम जिसमें है छेड़ा जी, शर्मा जी, गिरपड़े जी। गिरपड़े जी कहाँ? सॉरी सॉरी, वो तो मैं यहीं हूँ। और एक तरफ है विवान और उसके बदमाश दोस्तों की टीम। ताली बजाने से एक्सरसाइज होती है।
बंडी जा जल्दी बुला के ला उन गोली मुलियों को, मैच शुरू होने वाला है, जा जल्दी जा। मम्मी हम कबड्डी खेलने के लिए इतने महंगे कपड़े क्यों पहन के जा रहे हैं? अरे बेटा सब मोहल्ले वाले होंगे वहाँ पर और अच्छा लगेगा कि तुम लोग सस्ते कपड़ों में कबड्डी खेलोगे, इसीलिए बढ़िया है, चलो जाओ शाबाश। सही टाइम पे पापा, हम कबड्डी खेलने जा रहे हैं, जल्दी से वो मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराइए जो आप हमारे लिए लेने गए थे। अरे बेटा कहाँ से खिला दूं मिठाई, स्पेशल तुम लोगों के लिए बनवा के लाए थे पहलवान मिठाई वाले से, पर किसी कमबख्त ने मिठाई का डब्बा ही चुरा लिया। हे भगवान, अरे दूसरों को चूना लगाने का काम तो हम करते हैं, ये हमें किसने चूना लगा दिया? हाँ पापा, किसी को पता तो नहीं चल गया कि आप इस मोहल्ले के विलन हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर छोड़ो, अब तुम लोग जाओ और टांगे तोड़ दो चार की कबड्डी में। जाओ जाओ मेरे शाबाश शेरो। ऑल द बेस्ट। चलिए खेल शुरू करते हैं। एक मिनट अंकल। अंकल अंकल एक मिनट, वो जरा चिंटू चिंटी आ रहे हैं। आ रहे तो क्यों नहीं आए? ओ बस आ जाएंगे प्लीज। क्यों, खेल शुरू होने से पहले ही फौज डर के भाग गई? फौज डर के भाग भी जाती ना तो तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। गिर पड़े जी, जब तक इनकी पूरी टीम नहीं आ जाती हम एक जरूरी काम करके आते हैं। अरे अरे ऐसा क्या जरूरी काम है, बूंदी का रायता बूंदी में ही मस्त लगता है। नहीं नहीं, वो खेल शुरू होने से पहले हम प्रार्थना करना भूल गए थे, और प्रार्थना करना कितना जरूरी है। वो दादाजी, दादाजी आइए आइए, दादाजी आपको प्रार्थना का महत्व समझाएंगे। दादाजी गिर पड़े जी, प्रार्थना वो है जिससे हमें संपूर्ण शांति मिलती है। बरोबर, मैं ईश्वर की प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, शर्मा जी की बेटी प्रार्थना की नहीं। मैंने कब बोला? अरे प्रार्थना में बात वो होती है। कर लो दादाजी, सगा कर लो, दूधी और तुरिया ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं पर है नहीं। लेकिन वो टॉपिक मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले प्रार्थना। तिमनासा ने मुझे अपने काले जादू से कैद करके रखा हुआ था, बहुत ही मुश्किल से मैं वहां से मौका देखकर भाग पाई हूँ बालवीर। लेकिन आपको तो वीरलोक जाना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रही है? अगर तिमनासा मेरा पीछा करते करते वीरलोक आ जाती तो, और आप लोगों को ये भी तो बताना था कि काललोक की बुरी शक्तियां पृथ्वी पर आ चुकी हैं। और वो आपके उत्तराधिकारी को मारना चाहते हैं। क्या तिमनासा को उत्तराधिकारी के बारे में पता चल गया है? हाँ, इससे पहले कि तिमनासा आपके उत्तराधिकारी को ढूंढे हमें आपके उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा बालवीर। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, चलें? नहीं नहीं त्रिपल, आप कमजोर हो गई है, आपको आराम करने की जरूरत है, आप यहीं रुकिए। नहीं बालवीर, मैं नेत्र परी, हमने यहाँ बच्चों के साथ एक खेल आयोजित किया है, वो खत्म होने के बाद हम आपको वीर लोक तक पहुंचा देंगे, तब तक आप यहाँ आराम कीजिए। चलो परी। मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ बालवीर। एक मिनट नेत्रपरी, तुम्हें तो धरती लोक पर इन कपड़ों में नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो धरती के कपड़ों में होना चाहिए ना? हाँ
अब ठीक है। नेत्र परी, अब तुम आराम करो। चलो परियों। चलो। मुझे कुछ भी करके उस उत्तराधिकारी को ढूंढना ही होगा। क्या हुआ बालवीर, तुम रुक क्यों गए? कुछ तो गड़बड़ है। नेत्र परी तिमनासा के चंगुल से इतनी आसानी से बच कैसे गई? सही कह रहे हो बालवीर, शक तो मुझे भी हो रहा है। मस्ती परी, आप एक काम कीजिए, नेत्र परी को बाहर लेकर आइए। हमारे सामने रहेगी तो हम उस पर नजर रख पाएंगे। हाँ। और हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हमें उन पर संदेह हो चुका है। तुम चिंता मत करो बालवीर। मैं काल लोक से धरती पर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं आई बालवीर। तुम्हारे उत्तराधिकारी पर सिर्फ तिमनासा का अधिकार है। और अगर तुम्हारी उन प्यारी प्यारी फूल जैसी परियों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उनका मैं ये हाल करूंगी। नेत्र परी, नेत्र परी, मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम्हें बैठना ही है तो तुम बाहर आकर बैठो ना। आओ चलो। इस नेक सोच के इनाम में तुम्हें मौत मिलेगी, लेकिन कम दर्दनाक। ओए लो, कहाँ रह गए तुम दोनों? मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ और अपनी मर्जी से आता हूँ। ओए लो, जिस तरह इस दुनिया में सिर्फ एक ही सलमान भाई है, उसी तरह इस मोहल्ले का भी सिर्फ एक ही कैप्टन है। तुम्हारा कैप्टन कैसा हो? विवान कैसा हो? सुना? मेरे पापा की मिठाई का डब्बा। ए, ये हमारे पापा की मिठाई है। दिखने में तो ये मोती चूर के लड्डू लग रहे हैं। ज्यादा चंड बनने की कोशिश मत कर विवान, ये हमारे पापा की मिठाई का डब्बा है, खाओ भाई आप। हाँ खाओ, आराम से खाओ, पूरे चार दिन पुराने लड्डू है। मत खाओ। ये उसी के लिए रखे थे जो सबसे खराब खेलेगा, तुम एडवांस में ही खा लो। फिर तो तुझे मैच के एंड में खिलाऊंगा। जाओ चेंज करके आओ, चल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। गिर पड़े जी। अच्छा वो तू आ गया। तो दादाजी ने आपको प्रार्थना के बारे में ठीक से समझाया या फिर मैं? नहीं, मैंने सब समझा दिया है, अब मैं इसे कुछ और समझा रहा हूँ। दादाजी, तो मैं ये कह रहा था। दादाजी सुनिए, मैच खेलते हैं, आपका ज्ञान मैं फरवरी 30 को सुन लूंगा। के साथ साथ मुझे नेत्र परी पर भी नजर रखनी होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं कबड्डी का खेल।
कमजोर बच्चा। क्या हुआ विवान? बेटा क्या हुआ, राग लगा? आयुष्मान ये क्या हुआ? वही ये क्या अमाउंट हो गए? ऐसा कैसा, ये तो चीटिंग है, चीटिंग है कानून के साथ। वो कैंडी पाव 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 का कोई मतलब नहीं होता। हाँ होता है अंकल, वो कैंडी की खेल में से जीतने का मतलब होता है, और जीतने के मामले में विवान बहुत हीट है। देव भैया, और इसी चालबाजी के साथ विवान का टीम को मिलता है एक पॉइंट। अगर बालवीर यहां है तो इसका उत्तराधिकारी भी यहीं कहीं होगा। कभी सोचा नहीं था कि इन परियों की कमजोर शक्तियां भी मेरे काम आएंगी। अब मुझे नेत्र शक्ति से ही उत्तराधिकारी का पता लगाना होगा। ये जोड़ी में घूमते मूर्ख भी यही है। नेत्र परी का फिलहाल इसके सामने आना ठीक नहीं। पीछे खड़े लड़कों में से तो कोई उत्तराधिकारी नहीं निकला। जरा इन खिलाड़ियों को भी जांच लिया जाए। इनमें से किसी के हाथों में भी निशान नहीं दिख रहा। कहां होगा उत्तराधिकारी? इन पृथ्वी के चीटर और बच्चों को इनकी चीटिंग का जवाब तो मैं दूंगी। बच्चे होके परियों से चीटिंग करेंगे? हाँ मैं जाऊंगी। हाँ फिरती है। अरे पकड़ के वापस आना है। पकड़ के रखते हैं जब तक इनकी शक्ल स्कूल नहीं जाती। वायु को कभी कोई पकड़ पाया है क्या? नादान बच्चे। इनकी तो सांसें ही नहीं फूल रही है। ये तो बेस्ट लंग्स है वो।
और इसी के साथ हमें मिलता है पूरा 2 पॉइंट। बच्चा तो बहुत शातिर निकला, इससे जीतेंगे। हे भगवान, बालवीर का उत्तराधिकारी बिल्कुल ऐसा ना हो। बदमाश लड़का है, इनमें से जो भी नया बालवीर होगा उसे सबसे पहले इसे ही सुधारने को कहूंगा। अभी तक जहर भरे लड्डू खाए नहीं इस नए बालवीर ने। ये मिठाई का डब्बा वहां क्यों रखा है? किसी और ने खा लिया तो? या मजेदार खेल चल रहा है भैराजा, ये हमें काल-लोक में भी खेलना चाहिए। हो सकता है कबड्डी में ही आप तिम्नासा को हरा के राजगद्दी जीत जाओ। इस बार काल-लोक में राजगद्दी का खेल तो मैं ही जीतूंगा, तबा तबा। मगर तिम्नासा खेल का मैदान छोड़ के भाग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तबा तबा, तू जाके देख कहीं तिम्नासा भेस बदल के तो नहीं आई है यहाँ पे। हर काम मुझे ही करना पड़ता है, काल लोक का भैराजा भी मुझे ही बनना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, काल लोक वाले बोलते हैं। जाता हूँ। चुप, हटो साहब। अब देखो जलवा, कबड्डी चैंपियन चिंटू मिश्रा का। चिंटू, 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 चिंटू। मुझे वो मिठाई का डब्बा वहां से हटाना होगा, इससे पहले कोई और उसे ले जाए। किसी और ने खाली तो सारी योजना खराब हो जाएगी। अरे भाई जाना, उधर धंधा करना जाना। बेइज्जती करवाना तो जैसे पेशा है भैमार का, लेकिन किस फिराक में है ये यहाँ? सुना है चीटिंग करने वाले बच्चों को यहाँ स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता है। ये क्या कर रहा है? पकड़। अरे ये तो कैप्टन बनने आया था ना। हाँ। मुर्गा क्यों बन गया? हाँ पता नहीं। एक कबड्डी चैंपियन है या कुकड़ू को चैंपियन? मस्ती परी मना किया था ना जादू नहीं करना है। इस बार कर दिया, अगली बार से पक्का नहीं करूंगी। सॉरी, माफ कर दो, जलवा दिखाने आया था, हलवा बन गया। सॉरी बच्चों, तुम्हें हराना तो नहीं चाहता, लेकिन सवाल घर का है, हराना पड़ेगा। आज इस खेल में जीत भी हमारी होगी और वो घर भी हमारा ही होगा। कबड्डी 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 कबड्डी।
ऐसा क्या है इस डब्बे में? ओह, तो ये तुच्छ इंतजाम किया है इस मूर्ख ने। हमेशा उम्मीद पे खरा उतरता है ये भैमार। तिमनासा भैमार का हथियार भैमार का सिपाही ही खाएगा। ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा बालवीर। मुझे खींच पाने की ताकत किसमें हो सकती है? कहीं यही तो हमारा उत्तराधिकारी नहीं? कौन है भाई? कौन है वहाँ? वहाँ लड्डू थे। अरे क्या हुआ उधर? रुको, कहाँ जा रहे हो? ये क्या चल रहे? कौन था वो इनमें से जिसने पकड़ा था मुझे? ये गिर पड़े के एरिया में दादागिरी नहीं करने का है। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। क्यों जाए ना? बच्चों में से किसी ने मुझे इतनी ताकत से खींचा कि मैं हिल ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम अभी कमजोर हो गए हो ना, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। हट, हट सामने से। गिराया बीच में, बड़े बदतमीज और सख्त किस्म के आदमी हो यार। हट सामने से, अभी मत आना। ये ये खंबा कहाँ से आ गया बीच में? ए खंबे, हट जा,
बेवकूफ मैं हूँ। शमा शमा बहरा जा आप। मैंने तुझे तिमनासा को ढूंढने के लिए भेजा था और तू नशे में घूम रहा है। गलती मेरी नहीं है भैराजा, उस मिठाई की है। ये मिठाई तू खा गया? हाँ तो वो मिठाई सिर्फ तोबा तोबा के लिए बनी है। ऐसा मैं नहीं, मेरी आत्मा कहती है। झगड़े की वजह से खेल में रुकावट हो गई थी, वो पॉइंट गिना नहीं जाएगा। अब खेल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ विवान के टीम को मिलते हैं 3 पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं सिवाय बहनों का भाई देव और विवान के टीम के विवान। कौन सस्ता नशा मिलाए था आपने मिठाई में? लोग का भैराजा भैमार सस्ता नशा करता है। छे छे छे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग वाले कहेंगे। उस मैंने उसमें नशा नहीं, उसमें जहर मिलाया था। काल लोग का पानी पीता इसलिए जिंदा है अभी तक, वरना मर जाता। वाह, ये जहर पी के तो मेरी जीने की इच्छा और बढ़ गई है। योद्धा कभी भी युद्ध के मैदान में एक हथियार के साथ नहीं उतरता। इसने भले ही मेरी ये योजना नाकाम कर दी हो बालवीर, लेकिन मेरा अगला वार तेरे उत्तराधिकारी के लिए और भी खतरनाक होगा। खत्म हो जाएगा धरती का नया रक्षक। मैं जानती हूँ भैमार, तू बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से मान लेने वाला, पर तेरा अगला वार आखिर है क्या? मेरे सलमान भाई कहते हैं पार्टनर कि हर चीज लिमिट के अंदर करनी चाहिए, लेकिन जीतने की कोशिश लिमिट के बाहर। मेरी अच्छाई भी कहती है पार्टनर, बच्चों को जीतने का मौका दे देना चाहिए, पर बात अगर घर की है तो मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। जाओ ध्वंसक, जा खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को।
दोनों टीम के 14-14 पॉइंट्स हो गए हैं। अब हार जीत का फैसला एक पॉइंट से होगा। जाड़िया हिपोपोटमस मेरा फेवरेट प्राणी है। मिठाई के जहर से ना सही, वो धनसक के जहर से पक्का मरेगा। जाओ धनसक, तेरा शिकार सामने है। क्या करने वाला है ये भैमार? ये जो भी करने की फिराक में है तो मैं होने नहीं दूंगी। तेरी जहां सोच खत्म होती है बहमार, वहां तिमनासा की सोच शुरू होती है। तब मुझे एक तीर से दो निशाने लगाने होंगे। एक बालवीर का भरोसा जीतना होगा और दूसरा तुझे रोकना होगा। देव भैया, मस्ती परी, मैंने अपनी नेत्र शक्तियों से काल लोक की बुरी शक्तियों को यहाँ देखा। क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ पायल, नेत्र परी ने काल लोक वालों को धरती पर देखा है। दिल छोटा मत करना पार्टनर, यूनिवर्सल लेवल के खिलाड़ी से हारने वाला है तू। मुझे पकड़ने से तुम लोग उन्हीं को नहीं टाल सकते। बालवीर का उत्तराधिकारी अभी तुम्हारे सामने मरेगा। और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मस्ती परी, तुरंत बालवीर को बुला कर लाओ, हमारा उत्तराधिकारी खतरे में है।
बालवीर, बालवीर सुनो। क्या हुआ? हमने काल लोक की एक बुरी शक्ति को पकड़ के रखा हुआ है। वो तुम्हारे उत्तराधिकारी को मारना चाहता है। जल्दी चलो यहाँ से। और जैसा कि आपने देखा, बहन की भाई की टीम हार गई है और विवान की टीम जीत गई है। सलमान भाई का फैन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ध्वंसक, अगर बालवीर और परियां नजर आए तो उनसे छुप के रहना। क्या पार्टनर, हार की शर्म से छुपते छुपाते हुए भाग रहे हो? ये बदमाश बच्चा फिर से आ गया, मैं इसे गायब कर देती हूँ। नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला, सॉलिड सदमा लगा है आपको तो। मुझे जाना है। चलो पार्टनर, तुम भी क्या याद रखोगे, और आज नवरात्रि का दिन है और मेरे सलमान भाई कहते हैं कि अच्छे दिन की शुरुआत किसी का दिल दुखा के नहीं करनी चाहिए। जाओ जाओ, रह लो उस घर में। अरे ओ, दरिया दिल्ली दिखाई और इसके मुँह से एक छोटा सा थैंक यू तक नहीं निकला। अरे छोड़ उसे, चल हम दोनों मिलकर लड्डू खाते हैं। हाँ, चल चल चल। अरे लड्डू का डब्बा कहाँ गया? मुझे पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा बालवीर, नहीं मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारा अगला उत्तराधिकारी कौन है, और ना ही ये कि वो कैसे मरने वाला है। इतना कमजोर नहीं भैमार, जो इन परियों से डर जाए। डरने और बेवकूफी में इतना सा फर्क होता है। इन परियों से ना डरकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। और वैसे भी ध्वनि परी और ज्वाला परी ही काफी है तेरे लिए। चलो परी। बालवीर, सूर्य ढलने ही वाला है, अगर हम सबके सामने चमकने लग गई तो। मुझे लगता है हमें बालपरी और शौर्य से उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। यही सही मौका है। आधी परियां बालवीर के साथ व्यस्त रहेंगी, आधी भैमार के साथ, और मैं पीछे से उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में कर लूंगी। अब ठीक कह रही ज्वाला परी, आप यही रुक कर मेरी माँ और शौर्य से सलाह ले लीजिए, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। मेरा उत्तराधिकारी खतरे में, हमें जाना होगा। चलो। ये लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे मुझे, फिर कैसे लूंगी मैं उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में। इन लोगों से पहले मुझे नए बालवीर का पता लगाना ही होगा। क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, चले चलो जल्दी। बालवीर, तुम्हें अभी भी नेत्रपरी पर शक है क्या? शक था लेकिन अब नहीं है। अगर नेत्रपरी तिमनसा के वश में होती तो भैमार को नहीं पकड़वाती। मेरा उत्तराधिकारी उनसे सुरक्षित है। चलिए, रात गरबा में होगा विवान का जलवा। मैं कौन सा वाला स्टाइल रखूं, भाई के तेरे नाम वाला या फिर भाई के दबंग वाला? हाँ विवान, तो कोई सा भी हेयर स्टाइल रख ले,
रहेगा विवान ही, सलमान नहीं बन जाएगा। विवान और सलमान दोनों डिट्टो सेम टू सेम है, क्योंकि वो मेरे दिल में भी आते हैं और मेरी समझ में भी। ओहो छोटे सलमान, अब बोलो नहीं, सुनो, ये पकड़ो झाड़न और सफाई में हाथ बटाओ मेरा। आज माता का दिन है, नवरात्रि है, चलो। मम्मी, ये झाड़न वगैरह मेरी पर्सनालिटी पे सूट नहीं होता, दीदी कर तो रही है ना सफाई। ओहो बोलो नहीं, सुनो, घर का काम करना लड़कों की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितनी की लड़कियों की, समझा? लेकिन अब ये पकड़ झाड़न और ये जो शेल्फ है ना पूरी साफ कर, गंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ चल चल चल, चल, चल। जल्दी। अरे कितना काम पड़ा है। मंदिर की सफाई हो गई। शाबाश बेटा, अब ये झाड़न जाके बाहर रखा। जल्दी। ओहो, ये खिड़की क्यों खुली है? बाहर काम चल रहा है, सारी धूल अंदर आएगी। इसे खोलो नहीं, बंद करो। हाँ विवान, हुई नहीं सफाई अभी तक, जल्दी करना। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। काल लोक की कोई भी बुरी शक्ति यहाँ होगी तो अभी पता चल जाएगा। बालवीर की ये अंतर्दृष्टि बहुत ही काम की चीज है। अगर काल लोक वाली कोई भी बुरी शक्ति बीच में आ गई ना तो बालवीर को फौरन पता चल जाएगा।